आपको मैं एनवेलप मेकिंग बता रही हूँ। इस टाइप से आपने हाफ इंच लाइन ड्रॉ करनी है और फिर 7.5 मार्क करना है, फिर इस टाइप से लाइन ड्रॉ करी, अगेन हाफ इंच लोगे आप, ठीक है, हाफ इंच ली। अब इस टाइप से आपने फर्स्ट जो मार्क किया था वो विड्थ किया था, अब आप लेंथ मार्क करोगे। इस टाइप से 2.5 लिया, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 3.2। ये सेंटर पार्ट है आपका, एंड अगेन 2 इंच ये ओवरलैप होगा, ठीक है, इस स्टेप से किया और आप कटिंग कर लो इसको सीजर से। ठीक है, ये शीट कट करके वो कर दी। कटिंग हो गई। अब इस टाइप से आपने जो हाफ इंच है उसको सेंटर पार्ट से स्लांट कटिंग करनी है, राइट, सेम वे करना है आपने साइड भी। सेम वे करना है इस साइड भी आपने। अब आपने स्केल लेना है और स्केल से क्रीज करनी है लाइंस, ठीक है, और ये आपका ओवरलैपिंग पार्ट है 2 इंचेस, इसको थोड़ी सी शेप दे सकते हो आप। ये 2.5 इंचेस था, आप इसको पेस्ट कर दोगे, आप फेविकॉल से भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका प्लेन एनवेलप। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है, फाइन। अब इस थोड़े से इसको डेकोरेशन में बता दूंगी। डेकोरेशन के लिए आप बहुत आइटम यूज कर सकते हो इसमें, जैसे लेसेस हो गए आपका, जैसे ये लेस है, मैं इसको यूज कर रही हूँ। इस टाइप से आपने यूज किया गा। ठीक है, और सेंटर पे कुछ आप देना चाहते हो? ऐसे इसका सेंटर वो करके, ठीक है, ये हो गया, ये डेकोरेट कर दिया आपने इस टाइप से।
यहाँ पे भी लगा सकते हो आप ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बो बता रही हूँ, मल्टी लेयर बो। उसमें क्या करना, आपने इस टाइप से 11 इंच की इंच मार्क की है, उसके बाद इस टाइप से स्ट्रिप कट करोगे 4। आपने क्या करना है, ऐसे सेंटर करोगे, फर्स्ट स्टेप सेंटर किया, ठीक है, हाफ इंच ओवरलैप करोगे इस स्टेप से, और उसके बाद आप इसको स्टेपलर कर दो। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट किया, अब इसको इस तरह से अरेंज करना है। अब इसको स्टेपलर कर लो या पेस्ट कर लो, ठीक है, नेक्स्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट बता रहे हैं, इसमें नेक्स्ट कलर कि आप 12.5 इंचेस लेना और इस टाइप से 4 स्ट्रिप इसकी भी यूज करनी है आपको। सेम आपने 4 स्ट्रिप इसकी भी कट करी, सेम वेरिएशन करनी है आपने। स्टेप से इक्वल किया, सेंटर किया,
ठीक है, स्टेप से किया आपने, इसको भी सेम प्लेस कर दो जैसे आपने फर्स्ट किया था। इस स्टेप से किया, इसको सेम स्ट्रक्चर कर दीजिए आप, ठीक है। ये आपने कर दिया, ये ग्लू गन ले लीजिए, इसके सेंटर पे ग्लू लगा दीजिए और इसे लगा दो, ठीक है। ये हो गया वो, और इसके ऊपर आप क्या करोगे, इस स्टेप से, ये इस स्टेप से लिया आपने और इसके साइज के अकॉर्डिंग राउंड कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपकी मल्टी लेयर बो।